हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रमुख गेजें, कौन कौन सी गेजें होती हैं, तो गेजों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पीटर ट्रेड के छात्र हैं, वेल्डर ट्रेड के छात्र हैं, आईटीआई के मैकेनिकल के छात्र और सीटीआई के जितने भी छात्र हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गेजें, फिलर गेज। फिलर गेज क्या होती है? यह गेज दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का अंतर चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह स्टील की पतली पत्ती होती है। यह 12 mm चौड़ी तथा 75 mm से 300 mm तक लंबी होती है। 0.03 mm से 1.0 mm की मोटाई में होती है। भारतीय मानक के अनुसार इसके 7 सेट पाए जाते हैं। फिलर गेज के 7 सेट पाए जाते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर के होते हैं। तो इनका सीरियल नंबर और ब्लेडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो फिलर नंबर एक में 8 ब्लेडों की संख्या होती है। फिलर नंबर दो में, फिलर गेज नंबर दो, इसमें 9 होती है। और 3 नंबर गेज में 10 होती है। 4 नंबर गेज में 11 होती है। 5 नंबर गेज में 14 होती है। 6 नंबर गेज में 11 होती है। 7 नंबर गेज में 11 होती हैं। ये ब्लेडों की संख्या है और इधर ये गेज के नंबर हैं। रेडियस और फिलेट गेज, इसके गेज के द्वारा किसी जॉब की बाहरी एवं भीतरी उत्तल या अवतल त्रिज्या मापी जाती है। यह मीट्रिक पद्धति में 0.25 mm की रेंज में मिलती है तथा इंग्लिश में 1/64 inch की रेंज में मिलती है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.6 से 25 mm तक 3 सेट मिलते हैं। इनके 3 सेट कौन कौन से हैं, सीरियल नंबर देख लेते हैं। एक नंबर गेज में 0.6 से 0.8 mm तक सेट मिलते हैं। 2 नंबर गेज में 1 से 6 mm तक। 3 नंबर गेज में 8 से 25 mm तक। आगे हमारी स्क्रू पिच गेज, इसका प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अथवा स्क्रू या नट की कटी चूड़ी की पिच जांचने के लिए किया जाता है। इन्हें भी एक होल्डर में कई स्टील की पत्तियों को स्क्रू के द्वारा कसा जाता है, जिस पर अलग अलग पिच एवं कोणों के दांते कटे होते हैं। प्रत्येक पत्ती पर चूड़ी की पिच या पत्ती इंच चूड़ियों की संख्या अंकित होती है। यह गेज चूड़ी के कोण के अनुसार बनी होती है। मीट्रिक स्क्रू पिच में 24 पत्तियां होती हैं, जो भारतीय मानक की 0.25 mm से 6 mm पिच की जांच करती हैं। और इंग्लिश सेट में 30 पत्तियां, जो 4 से 42 चूड़ी प्रति इंच तक जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आगे हमारी सेंटर गेज, इस गेज का प्रयोग ग्राइंडिंग में लेथ कटिंग टूल के पॉइंट को चेक करने में, टूल को जॉब के सेंटर में समकोण में सेट करने के लिए किया जाता है। यह किसी स्टील की कठोर 3 mm पत्ती में बनाई जाती है तथा हार्ड एवं टेपर होती है। इस पर विभिन्न मानक स्क्रू थ्रेड के अनुसार अलग अलग कोणों में वी ग्रूव कटे होते हैं, जैसे 60 डिग्री या 47.5 डिग्री, 55 डिग्री आदि। छोटा सुराख गेज, छोटे सुराखों खांचों को मापने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। यह 12.7 mm तक माप सकती है। इसकी बनावट जो होती है, इसमें एक ट्यूब के नीचे वाले सिरे पर दोनों तरफ 2 हार्ड गोलियां होती हैं। इसके ऊपरी सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं, जिनमें चूड़ीदार थिम्बल लगी होती है। इसमें टेपर सिर या स्प्रिंग सिरे वाला प्लंजर स्क्रूदार से कसा जाता है। थिम्बल को सुई की दिशा में घुमाने से प्लंजर बाहर निकल कर गोलियों की सतह के संपर्क में आता है। यह
ऐप प्रत्यक्ष मापी औजार है और यह 7 सेट में मिलता है। इनकी संख्या इस प्रकार से है, 1 3.2 mm से 3.8 mm तक, सेकंड पे 3.8 mm से 4.5 mm तक, 4.5 mm से 5.1 mm तक, फोर्थ पे 5.1 से 6.4 mm तक, पाँच नंबर पे 6.4 से 6.8, और अच्छे पे हमारा 6.8 mm से 9.6 mm तक, सात में सेट पे 9.6 mm से 12.7 mm। आगे हमारा ड्रिल गेज, जब ड्रिल को सेंक से ड्रिल का साइज की फिट किया जाता है तो ड्रिल का साइज ज्ञात करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील की 6.6 से 1.4 इंच लंबी व 0.25 इतना ही है, 2.5 से 5.16 इंच चौड़ी तथा 5.64 इंच मोटी होती है। इसमें स्टैंडर्ड ड्रिल साइज के छिद्र किए होते हैं तथा इन पर साइज अंकित होता है। ड्रिल पॉइंट गेज, यह ड्रिल पॉइंट कटिंग कोण जांचने में प्रयोग होती है। इसका कोण 59 डिग्री होता है। इसमें हम लिप की लंबाई भी देख सकते हैं कि दोनों लिप बराबर हैं। वायर गेज, इस गेज में शीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। 3 mm मोटी स्टील की प्लेट से गोल बनी होती है। इसे SWG स्टैंडर्ड वायर गेज भी कहते हैं। BIS के अनुसार इस गेज के द्वारा 0.125 mm से 8 mm तक मोटी शीट या तार का व्यास मापा जाता है। आगे है अलॉय धातुएं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाएँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।